सुगंधा जी हाँ वन मिनट मैम यहाँ ओके थैंक यू सर यहाँ पे यस सर चलिए शेख सर का फेस है हमें ही मोहब्बत मिल रही है सर आप खड़े होने चले खड़े हो जाओ मतलब क्या यहाँ पे एक्सरसाइज करो एक आगे सर ये अपना सर मैडम मैडम मैम रेडी रेडी सर रेडी नीचे यहाँ पे सर सर यहाँ पर देखिए सर मोबाइल लिया नीचे नीचे यहाँ पे सर सेंटर में सर यहाँ पे सर यहाँ पर देखिए बालकनी सर साथी भाई रितेश सर यहाँ Vamos a ver.
नहीं अब क्या है कि अच्छा डू वी हैव अ माइक एंड स्पीकर हेलो क्या स्पीकर चल रहा है ये ठीक है आपके लिए कि ये बेटर है ना कि ऐसे बोलो चलो ठीक है चल ठीक है तू कान लाओ भाई दरवाजे बंद करवा दो ना बाहर के फिर ताकि आवाज ना आए नहीं क्या केस तो बनता है एक बहुत ही यूनिक शो है हमारे लिए क्योंकि कोर्टरूम कॉमेडी ये पहली बार अमेज़ॉन मिनी टीवी लेकर आ रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि इन सारे अमेजिंग कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और इस शो की खासियत यही है कि जो सेलिब्रिटीज़ लोगों को बहुत पसंद है लोग सराहते हैं उन्हें स्टार्स सुपरस्टार्स बनाते हैं उन पर अतरंगी इल्ज़ाम लगाने का मौका हम लोगों को मिल रहा है एंड इल्ज़ाम लगाने वाले भी इतने टैलेंटेड है पारितोष हो सिद्धार्थ हो यू नो सो इट इज़ सुगंधा जी हैं संकेत है सिद्धार्थ है तो यू नो इट्स इट इज़ अमेजिंग टू हैव सच अमेजिंग टैलेंट एंड ऑफकोर्स मतलब मेरे दोस्त काबिल वकील तो है ये वरुण जी एंड कुशा है कविन है तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस और अतरंगी इल्ज़ाम इस तरह तरह के लगाए हैं और ये मतलब ये ऐसी गाय हैं जो खुद का खेत छोड़ के पड़ोसी के खेत में घुस जाती हैं तो दे आर सुपर वंडरफुल एंड अमेजिंगली टैलेंटेड सो इट इज़ वंडरफुल आप प्रोमो है प्रोमो देख लो बट आई थिंक जैसे अनिल सर की बात की आपने तो उन पे इल्ज़ाम उनका आईना लगा रहा है कि पूरे दिन तक आप मुझे देखते रहते हो मतलब 35 साल से आपने मुझे किस तरह फ्रस्ट्रेट किया है तो वो आईने का फ्रस्ट्रेशन है उन पर सो इट्स नॉट कि हालांकि कुछ लोग भी लगा रहे बट कुछ वस्तुएँ भी हैं जो लगा रहे चाहे गाड़ी लगा रही हो मोबाइल फ़ोन लगा रहा हो तो करीना जी पर उनका मोबाइल फ़ोन उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है वार्डरोब लगा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें और क्या होता है कि अतरंगी इल्ज़ाम लगाते वक्त बहुत कुछ सोचना पड़ता है राइटर्स को यू हैव अ वंडरफुल राइटिंग टीम एंड अ फैबुलस डायरेक्टर साजिद साम जी जो एक्चुअली उनके साथ मैं बहुत सारी फिल्में मैं कर चुका हूँ और ब्लॉकबस्टर उन्होंने दिए तो होपफुली His super touch also touches our show. आखिरी बार नहीं केस तो बनता है कि पूरी टीम के ऊपर मैं ये इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा या ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त ना लगाएं सीज़न टू बनाने में हाँ बिल्कुल आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग क्योंकि हमको इतना मज़ा आया वी होप कि ऑडियंस जाकर देखे क्योंकि ये शो बिल्कुल फ्री है आपके अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप में ऊपर आपको मिनी टीवी का बटन है वो दबाने के बाद इट्स एन एब्सोल्युटली एब्सोल्युट फ्री शो तो फ्री में इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट आपको मिल रही है और क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि कोई फ्री का शो है तो यू नो पीपल स्टार्ट कटिंग द बजट्स कि थोड़ा कम कर दो यार फ्री में कर रहे तो इसको छोटा करते बट हैट्स ऑफ टू बानी जे एंड अमेज़न मिनी टीवी कि दे वेंट ऑल आउट टू गेट द बिगेस्ट नेम्स ऑन दिस शो बहुत मज़ा आया एक तो ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं सोशल मीडिया पर देखती थी कि लोग जवाब देते हैं
नाउ बीइंग हियर आसान काम नहीं है, डर लगता है इतने लोग खड़े हुए हैं, पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जज का काम बहुत ही अतरंगा काम है, बहुत ही अतरंगी शो है, यहाँ पे अतरंगी इल्ज़ाम है, अतरंगी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे लॉयर्स, हमारे विटनेसेस, हमारी राइटिंग टीम, डायरेक्शन टीम, बानी जे खुद, अमेज़ॉन मिनी टीवी, सब बहुत अतरंगी लोग हैं एंड उसी अतरंगी फ्लेवर में हमने ये शो बनाया है. एंड एज अ जज, ये वो जज है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पर ये फिर इसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, हमारी जज भी इन्फ्लुएंसर है. आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अगर अगर जैसे कोई सेलिब्रिटी आए और अगर वो मेरी फैमिली के साथ पिक्चर खिंचवा ले तो मैं उनकी सज़ा कम कर देती हूँ और उनको बाइज्जत भरी कर देती हूँ. तो थोड़े से अपने फेवर्स निकालने की उसमें चाह में रहती है ये वाली. किससे ज्यादा इंप्रेस हुई आई? सवाल है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज, थोड़ा सा तो फंसो. इतने सेलिब्रिटीज, नहीं नहीं, मैं फंस ही नहीं सकती. आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मैं शो पर आई हूँ, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है. सो मैं तो हमेशा स्टारस्ट्रक रहती थी. सो मेरा कोई फेवरेट नहीं है. फेवरेट नहीं, जब करीना शो पे आई ये तो था. मतलब ये तो ऐसी थी, करीना आई है, करीना आई, मतलब शो भी तो आया है वो भी. वही आई थिंक करीना के तो सब फैंस हैं ही, एंड जब वो आती हैं मैं उनको देखकर ही इतनी भौचक्की रह गई थी. तो हाँ, तो वो ज़रूर था. बट सब सेलिब्रिटीज बहुत ही बड़े स्पॉट हैं, उन्होंने बहुत जोक्स लिए हैं अपने पर, एंड दैट वाज जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. सिद्धार्थ पारिकोश, आप दोनों से जानना चाहूंगा, बहुत टाइम के बाद आप दोनों एक साथ एक शो में दिखाई देने वाले हैं, कितना एक्साइटेड है, अगर कुछ शेयर करना चाहे कि कैसा एक्सपीरियंस था आपको? नहीं, आपसे पहले 3 साल बाद. हाँ भाई, हम लोगों ने पहले शो करा है साथ में, और यहाँ पे सुगंधा, परितोष, हम लोग जब भी साथ में होते हैं तो हमारी टाइमिंग बड़ी अच्छी, कुदरती अच्छी आती है निकल के. और मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम बाद एक शो करने जो हम साथ में कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात ये लगी कि रितेश सर, वरुण भाई, कुशा और इन लोग के साथ काम करके भी, केविन भाई, सबके साथ काम करके बहुत मुझे मज़ा आया. मुझे लगता है कि बहुत सपोर्ट, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मजाक सबके साथ करने की, और धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वो बड़े भी मजाक हुए. तो मुझे लगता है इट्स ऑल टीम वर्क, सब पूरी टीम का साथ ऐसा था कि सुंदर एक मिश्रण बन के आया. ये सही कह रहे हैं. नहीं, मज़ेदार है. मतलब हम लोग साथ में, हम सुगंधा और सागर, हम लोग साथ में बहुत सारे शोज़ किए हैं कॉमेडी के, पर इसमें अलग अलग हैं. तो इसमें टीम थी लेकिन सबको अलग अलग मैच खेलना था, सबको 6-6 बॉलें अलग अलग मिली थी. तो ये है, और बाकी सपोर्ट बहुत था. ये जो इनटॉलरेंस की बात होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंस वाला है. लोगों ने कितने जोक्स अपने पे लिए हैं, बहुत बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा. सबसे कमाल की बात ये, इन दोनों की इतनी सादगी से बात करते हुए पहली बार ही देख रहा हूँ. हाँ, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप ऐसे बिहेव कर रहे हो यहाँ पर, और जब शो देखेंगे आप तो मतलब मुझे लगता है कि सारे केसेस तो इनपे बनेंगे. इनको हाय बोलते हैं, सामने से 4 बेइज्जती आ जाती है. bezzati.com के फाउंडर है. खानदान भी होगा. खानदानी बेइज्जती. आप दोनों भी बताएं कि किस तरह से एक्सपीरियंस आया, और आपको तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था. संकेत जी, तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किए. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, बिकॉज मतलब हम लोग हाफ शो में आए और हम स्टार्ट से आना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि अभी शुरू और अभी ख़त्म हो गया. इतनी अच्छी टीम और सबको, तो मैंने तेज सर के रील्स, कॉमेडी और सोशल मीडिया पर तो मतलब अलग से आपके सारे कॉमेडी रील्स स्पेशली फॉलो हम दोनों करते हैं, और जुनिया मैम के, तो साथ में काम किया. और वरुण, मतलब एवरीबडी, इवन कुशा, मतलब हम फर्स्ट टाइम आपके साथ काम किया, और सिद्धार्थ, परितोष और कविन, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, और बॉडीगार्ड साथ में थे तो और ज़्यादा मज़ा आया था. वो हर चीज़ का ध्यान देखा, चाय टाइम पे मिल रही है कि नहीं, उसके लिए काम ज़्यादा बढ़ गया था, खाना टाइम पे खा रही हूँ कि नहीं, तो बहुत मज़ा आया. इवन जो टीम है पूरी की पूरी, साजिद सर और पूरी क्रिएटिव टीम, इतनी मतलब फ्लेक्सिबल, एकदम ओपन, कि जो आपको करना है करो, फैलना है फैलो, रोना है धोना है गिरना है नहाना है सब अलग है. नहाना है, एडिट हमारे पास है, वो नहाया था ना परसों. ये मतलब हम लोग एक साफ सुथरा शो है. नहीं, एक शो कर रहे थे जहाँ पर एक एपिसोड चल रहा था, जहाँ पर ये भाई साहब आए बकेट लेकर, पानी लेकर, साबुन लेकर आए, और इल्ज़ाम लगाते लगाते बकायदा यहाँ पर पानी से नहा रहे, कपड़े वपड़े उतारना शुरू, पैंट उतार दी,
पतलून उतार दी, अपना जो बोलते उसको क्या बनियान उतार दी, और उसके बाद साबुन लगाकर मतलब यहाँ बस ही गए थे। साफ सुथरी कॉमेडी है ये, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आम तौर पे दूसरों के कपड़े उतारते हैं, पहली बार खुद के कपड़े उतारते हैं। अच्छा, यूएसपी ये है कि इसमें बहुत सारे आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं वहाँ यहाँ पर आ रहे हैं और उन पर हम लोग अतरंगी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि अमेजिंगली टैलेंटेड कास्ट यहाँ पर है जो बहुत ही फनी है, ये है, इसलिए देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ये फ्री मुफ्त है, मुफ्त आपका मुफ्त समय और अमेजोन का मुफ्त फ्री, बिल्कुल फ्री एपिसोड देखो, मज़े करो। मतलब ये शो इतना फ्री कि हम लोगों ने भी ये शो फ्री किया। ऐसे मत बोलो, सेकंड सीजन में वापस बोलेंगे कि फ्री नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।